ना तो उन्हें संस्कृत आती है और ना फारसी का उतना ज्ञान है तो उन्होंने कैसे कितने सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेज के बेस पे लिखा जिसको आप सब लोग एक प्राइमरी सोर्स की तरह मानते हैं दो बातें पहले तो मार्क्सिस्ट जो इतिहासकार हैं उसका मतलब ये होता है कि आप डायलेक्ट एक डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म करके एक थ्योरी है जिसमें आप पूरे के पूरे इतिहास को दो क्लासों में बटा हुआ देखते हैं तो वो होता है मार्क्सिस्ट से उसका कुछ लेना देना है ही नहीं कि मंदिर किसने तोड़े मस्जिद वो ये देखते हैं कि जो है, वो हमेशा ऑप्रेस होते रहे बुर्जुआजी के तौर पे और बस सारी हिस्ट्री को वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से देखते एक एक शोषक और शोषित एग्जैक्टली तो कौन शोषित थे उनका क्या इतिहास है और जिन्होंने शोषण किया क्यों किया उनका क्या इतिहास है उनको इससे क्या मिला ठीक है तो वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी होती है रोमिला थापर वही करती हैं काफी सारे इरफान अभी भी वही करते हैं तो वो एक बात है तो उससे उसका इसका कुछ लेना देना है नहीं मुझे लगता है टर्म जो लेफ्ट है और मार्क्सिस्ट बड़ा ही लूजली यूज होता है इसका किसको मतलब पता नहीं और वो सब कोई मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट सब और नक्सल जी 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 सबको मिला दिया गया जी। तो है जी अम तो रोमिला थापर जो हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं कि और उनको लैंग्वेज नहीं आती शायद ये अगर उनकी डिसएडवांटेज है भी तो भी कहीं ना कहीं उनकी अगर आप इतमान से स्कॉलरशिप पढ़ें तो आप देखेंगे कि अगर वो ट्रांसलेट करवाती भी हैं किसी से तो वो प्राइमरी सोर्सेज से ही ट्रांसलेट करवाती हैं तो उनकी ट्रांसलेशन पे आप त्रुटि नहीं निकाल सकते आप किसी और से भी वही चीज़ ट्रांसलेट करवा सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो ट्रांसलेशन सोर्सेस की हो नहीं सकती है इतिहास जो है जब लिखा जाता है तो बहुत चीजों का समागम होकर लिखा जाता है एक उसमें लैंग्वेज होती है एक उसमें जोग्रफी होती है और जरूरी नहीं है कि इतिहासकार को सारी चीज़ों का सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे कि मुझे इतिहासकार बनने से पहले क्या मुझे जियोग्राफर भी बनना पड़ेगा मुझे इतिहासकार बनने से पहले मुझे सोशियोलॉजिस्ट भी बनना पड़ेगा क्योंकि अब अगर मैरिज का इंस्टीट्यूशन आ गया किसी किसी फिफ्टीन सेंचुरी में तो क्या मुझे अब फिर सिरे से मैरिज के इंस्टीट्यूशन को सोशियोलॉजिकली पढ़ना पड़ेगा नहीं मैं क्या करूँगी जिस सोशियोलॉजिस्ट ने मैरिज के बारे में लिखा है मैं उसके बारे में उसको तो हिस्टोरियन बनना मतलब कि आपने हिस्टोरिकल मेथड्स की अच्छे से स्टडी की है लैंग्वेज एक एडिड होता है कि आपने लैंग्वेज भी सीख ली वो बहुत बढ़िया बात है फिर आप प्राइमरी सोर्सेज से देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि रोमिला थापर को अटैक करने के बहुत और जरिए हो सकते हैं आप उनकी कोई भी स्कॉलरशिप सर्वोपरि नहीं होती है कोई भी स्कॉलरशिप को पेडेस्टल पे नहीं रखना चाहिए बिल्कुल कीजिए क्रिटिक कीजिए पर आप एक एकेडमिक क्रिटिक कीजिए उनको लैंग्वेज नहीं।, नहीं आती है ये क्रिटिक नहीं हो सकता है फिर तो आप कहेंगे उनको सोशोलॉजी नहीं आती है उनको इकोनॉमी नहीं आती है तो हम तो इतिहासकार है हमारा भी एक चीज़ में ही एक्सपर्टीज है ना